आज का हमारा सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट स्टोरी 2022 एंड द नॉमिनेशंस आर द बैटमैन, यस, दृश्यम 2, मोनिका ओ माय डार्लिंग, टॉप गन मैवरिक, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस एंड ग्लास अनियन। तो अब हाँ, बोलो। बेसिकली सीन ऐसा है कि अभी मतलब हम लोग ये चीज पोल में भी डालेंगे, तो आप लोग क्या पोल आ रही है तुम्हारे सामने चैट में, अभी चैट में मेरे ख्याल से दिख जानी चाहिए पोल। यस, पोल दिख रही है, पोल आ चुकी है। हाँ, तो आप लोग के पास टाइम है, यू गाइस कैन वोट, तो गो अहेड। अब इसमें एक और लफड़ा क्या है, पोल में सिर्फ चार ही ऑप्शन डाल सकते हैं अपन। अच्छा, नॉमिनेशन पांच है, तो मैंने लास्ट में डबल डाल दिया है, तो तुम्हारे हिसाब से जो भी है, क्योंकि अपने को तो पता है विनर कौन है। तो अभिषेक, आई होप तुमको भी अच्छे, क्या हुआ, उसके चलते में वो बढ़ गया ना एक है। हाँ हाँ हाँ, बताएंगे बताएंगे, सब सब आके बताएंगे। अभिषेक, तुमको जो है विनर पता चल चुका है, इसका बताना नहीं है। नहीं, बताना नहीं, लेकिन फिर भी विनर अनाउंस करेंगे, विनर अनाउंस अभिषेक भाई करेंगे। यस, जो डांस करेगा वो विनर है। डांस करना है ऐसा? अरे इनमें से बोल रहा हूँ, नॉमिनेशंस में से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, देखो यार, रॉबर्ट पैटिंसन आएगा डांस करने के लिए, अवार्ड देंगे फिर उसको। भाई साहब, 3,000-4,000 वोट होने जा रहे हैं भाई। भाई, और वॉचिंग कितनी है अभी अपनी? कितनी है, कितनी है? मेरे को नहीं पता कितनी है। भाई मेरे को मत पूछो यार, मेरे को पसीने छूट रहे हैं भाई यार। मैं फोन से देख, आराम से 10,000 क्रॉस किया होगा। तुम बताओ नॉमिनेशंस का तुमको क्या लगता है अभिषेक, मतलब भाई तुम, मेरे तुम्हारे मेरे हिसाब से? तो इसमें जो दो मेरे जो फेवरेट है, एक द बैटमैन और दृश्यम 2, लेकिन अब वो रीमेक है तो थोड़ा डाउट है, क्योंकि ओरिजिनल दृश्यम 2 तो नहीं है ना शायद, ये बॉलीवुड वाली। हाँ, बॉलीवुड इस साल वही रिलीज हुई थी ना। हाँ, तो दूसरा तो फिर एक बैटमैन बचता है। बात रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो वो भी एक बहुत सही थी, अगर किसी को स्टोरी पल्ले पड़ गई, समझ आ गई, तो वो बहुत अच्छा हिट करेगा एंड में। बट फिर वो ऐसे बोलते हैं ना, सबके लिए नहीं है, तो शायद उसको वोट कम है। बस ये तीन मेरे को लगते हैं। ओके, एवरीथिंग का मैं बोलूंगा उसकी स्टोरी काफी सही है, बट कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पिक्चर खुद को रिपीट कर रही है। कहीं कहीं तुम देखने जाओगे तो फिर ऐसा लग रहा है कि वही सेम चीज वो लोग, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है, फिर वो वापस से कन्विंस करने की कोशिश करती है, तो ऐसा हल्का हल्का लगता है। बट आई अग्री, मतलब द बैटमैन जो है, डिटेक्टिव स्टोरी अपने को देखने मिली बैटमैन की, जिसको स्पैनिश नहीं आती। बट तुमने मोनिका ओ माय डार्लिंग देखा क्या? बिल्कुल, कड़क था बहुत, बट वो क्या बोलते हैं, विनर वाला एलिमेंट नहीं ऐसा लगा फील हुआ, बट था जबरदस्त। और मतलब दो साल हो गए क्या मेरे को, हाँ 2 साल से अवार्ड्स कंडक्ट करे, तो मैं मुझे मतलब एक आइडिया लग चुका है कि विनर बनने के लिए 2 क्वालिटीज चाहिए। पहला तो अच्छा होना ज़रूरी है, और ज़्यादा लोगों ने देखा रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप में भी डिजर्विंग हो लेकिन लोगों ने नहीं देखा, तो आपको अवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट भी हो गया कि लोग किसको ज़्यादा मानते हैं। बाकी पीजे, तुम्हारा क्या ख्याल है नॉमिनेशंस के ऊपर? तुम उल्टा बोल नहीं सकते, अपन ने ही नॉमिनेशन निकाले, ठीक, अपने ही वोट से आए नॉमिनेशन, मतलब सारे जूरी मेंबर के। नहीं, मैं बताया, जैसे कि तुमने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का बताया, मुझको ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी लगी, ठीक ना। मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि रिपीट हो रही है। मैं वो सब बात समझ रहा हूँ, स्केलेबिलिटी इसको नहीं मिल पाई इसके बजट के हिसाब से, लेकिन मेरे को तब भी जितना भी उन्होंने कर दिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मतलब ऐसे कभी फील नहीं होता कि मूवी जो है ना अपने बजट के कारण मार खा रही है, फील नहीं होता मूवी देखते वक्त। नहीं, वो भाई हॉलीवुड का काम होते हुए भी भाई उन्होंने एशियन हांगकांग टाइप एक्शन को यूज किया हुआ है भाई। हाँ, मजा आ जाती है बहुत। लेकिन कहानी डेप्थ की बात करें, A24 है ना, जो A24 स्टूडियो है, अगर आप उसकी कोई भी मूवी उठा के देखते हो ना, तो मतलब वो बहुत अलग टॉपिक उठाते हैं और बहुत अलग टाइप की मूवी पे काम करते हैं। और ये मल्टीवर्स वाला जो एंगल था ना, मतलब माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था भाई।
और सबसे बेस्ट चीज ये थी ना कि ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दे कुड हैव डन विद इट, हाँ वो उसको उन्होंने उसको एक फैमिली की स्टोरी बनाई, हाँ पूरा हाँ कि पूरा मतलब वो पूरा उसकी बेटी ही विलन है और हीरो भी उसकी वही माँ ही माई उसको, हाँ वही वही बेस्ट तो दैट सपोर्टिंग वाज द कास्ट में उसका पति वही ही वही है। वही वही तो मतलब वो अच्छा था, बट काफी मेरे ख्याल सही। से 4 मिनट हो चुके हैं मैडम, हाँ तो तो अपन को विनर, मूव करना चाहिए। यस 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 यस, आर यू गाइस रेडी बिल्कुल फॉर द सर, विनर? यस लेट्स गो। विनर अनाउंस करें, अभिषेक। ओके हाँ भाई लोग, एंड द विनर इज बोल के रुक द जाना, विनर रुक जाना, एंड द विनर इज बोल के रुक जाना। इज द विनर इज बोलो बैटमैन। कौन है? चिड़िंग, अपन साउंड इफेक्ट डाल दिए। हाँ बैटमैन, बैटमैन ऑलराइट गाइस, तो ये डिजर्विंग है। हाँ, डिजर्विंग है। ये बेसिकली आप जो देख रहे हो ये पाई चार्ट डायग्राम है, तो जो हम यस लोगों ने हमारी जूरी ने पूरा वोट किया था, तो आप ये देख सकते हो कि किसने किस मूवी को कितना मिला है। बैक हाँ कर दो बादल, एक सेकेंड। हाँ तो तुम लोग वोट शेयर तो देख ये सकते हाँ हो। हाँ तो ये दिस 30% है। इज व्हाट इट इज। हाँ टोटल 10 वोट्स आए हाँ थे, 10 जूरी के, और वोट्स किस तरीके से कहाँ डिवाइड हुए हैं ये भी तुम देख सकते हो। हाँ बैटमैन और क्लोज में कौन सा था? दृश्यम 2 20% वोट, और ग्लास अनियन को भी 20% दिया है। ग्लास अनियन जबकि इस साल की सबसे लेट रिलीज थी, लाइक 23rd को रिलीज हुई है वो, बट फिर भी। और अपन ने ग्लास ग्लास अनियन, अनियन का क्या था, हाँ उसका स्क्रीन प्ले अच्छा था भाई, काफी सही। उसकी वजह से पिक्चर बचा लेती अपने आप। हाँ, बट जो पहले कैटेगरी का अपना विनर है द बैटमैन, हाँ तुम लोग देख बैटमैन, सकते हो। अब आप बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। ऑडियंस ने भी बैटमैन को ही बैटमैन को चुनाया। कहा अभी और इनमें भी मैच नंबर टू पे चलिए। दृश्यम 2 है, यस तो मतलब तुम लोग गाली नहीं दे सकते हो। ठीक है, अपने विचार काफी ज्यादा अभी मैटर अभी करते अभी तो हैं। चालू हुआ है, अभी आगे देखिए। टोटल चलो चलो लेट्स मूव ऑन, अभी मूव ऑन, टोटल आगे मारा मारी टोटल चलेगी। कितने अवार्ड है पता है तुमको? बहुत है भाई, चलो जल्दी करो। चल 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 भाई ठीक है चल। ना, चलो फिर अगले इस पे बढ़ते हैं हम लोग।